हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं इधर रास्ते में आ रहा था तो एक बगिया मिली, तो हमने सोचा कि आपको भी इस बगिया को दिखाया जाए। ये केवल आम के पेड़ हैं यहाँ पर, और कोई भी पेड़ नहीं है आम के अलावा। इन आमों में आम के फूल निकल रहे हैं, जिसे कूचे कहते हैं हमारी भाषा में, इनको बौर कहते हैं। आपको दिखाएंगे मतलब किस तरह से हैं, अब कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत बड़ी बगिया है तो हम आपको दिखाते हैं, चलिए तो देखते हैं फिर। तो दोस्तों, मैं बीच बगिया में आ गया हूँ। ये बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, ये बहुत पत्ते पड़े हुए हैं सूखे, और ये आम के पेड़ हैं। इनमें ही आम लगेंगे अभी। दोस्तों, मैं बीच बगिया में आ गया हूँ। ये बहुत सारे टूटे हुए सूखे पत्ते पड़े हुए हैं। फिलहाल ये आम के पेड़ हैं, देखिए ये बहुत सारे आम के पेड़ हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बगिया है, काम चल रहा है अभी, मतलब सिंचाई विचाई का, क्योंकि मतलब इनकी जड़ों में पानी पहुँच जाएगा तो इनके जो बौर हैं, ये कूचे हैं, जो फूल हैं, इनमें मजबूती आएगी और इनकी जो अम्मीय कच्चा आम होता है वो स्वस्थ होगा। जो हवा चलती है लू गर्मियों में, उसमें झड़ेगा नहीं। तो इसीलिए इसमें सब चूने से पुताई वगैरह किया है। चूने से पुताई इसलिए किया है कि इसमें दीमक लग जाता है यहाँ पर ज़्यादातर, तो इसलिए चूने की जड़ों में इनकी पुताई पहले ही कर दी जाती है, क्योंकि दीमक से बचाया जा सके इन पेड़ों को। तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है, बौर निकल रहे हैं। ये इनके बौर लगभग फरवरी में निकलते हैं बौर, और मार्च तक खूब मतलब फूलते हैं। उसके बाद इनमें छोटी छोटी अमियाँ निकलने लगती हैं, जिसे कच्चा आम कहते हैं। तो अभी हम आपको कच्चे आम दिखाएंगे, छोटे छोटे कहीं लगे होंगे ज़रूर। तो देखते हैं आगे, देखते रहिए गाइस। ये भी बहुत बहुत बड़ी बाग है, ये मतलब दशहरी आम, इनको दशहरी आम कहते हैं। ये ब्राइटी है दशहरी आमों की, तो केवल ये दशहरी आम के ही पेड़ हैं। इस साइड में ये लोग मतलब ये रहते हैं अभी, यहाँ झोपड़ी बना करके, ठीक है। तो आगे हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं अभी। देख, ये बहुत सारे पेड़ हैं। इस साइड का समरसेबल भी है, ये अपन जानवर पाल रखे हैं। अभी जब तक यहाँ पर आम रहेंगे तब तक यहाँ पर ये लोग रहेंगे। तो आगे देखते गाइस, देख रहे हैं, कोई नज़ारा उससे कुछ पूछते हैं। ये भैया दिखे, हेलो भैया, कैसे हो आप? भाई। अच्छा, आपकी ये बगिया है? नहीं, दूसरे की है। अच्छा, आप ताकते हो? अच्छा अच्छा, तो मतलब ये पुताई क्यों किया है सफ़ेद? दीमक ना लगे। अच्छा, दीमक ना लगे। तो आम तो अभी आया कम है, हमें लगता है इस बार नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो आप ही ताकते हैं? अच्छा अच्छा, तो चलिए, ये भाई ताक रहे हैं बगिया, मतलब ले रखा है, जिनकी बगिया थी उनसे ले रखा है। तो ये मतलब ताकने का ठेका ले रखा है, ठीक है। तो ठीक है भाई, ओके, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए, बहुत सारे पेड़ हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, मतलब देखो ये अभी आम निकल रहे हैं, कच्चे आम हैं। देखिए छोटे छोटे बत्तियाँ भी लगी हुई हैं, और इन्हीं से बड़े होकर के आम बनेंगे। अभी मतलब ये इनकी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, ये हम बहुत नीचे तक इनकी डाल लटक रही हैं, इनको छोटा सा बच्चा भी पकड़ सकता है। देखो ये, देखो ये फूल है साइड में, देखो ये लगे हुए हैं।
ये देखिए गाइस, ये देखिए दोस्तों, ये फुला रहा है अभी। तो फाइनली मैं अब बाग से निकल रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे यूट्यूब चैनल माय बिगेस्ट मस्ती को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपसे यही आशा करते हैं गाइस। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में।